आज नागपुर महानगर पालिका ने कपिलनगर पुलिस बल के साथ मिलकर परिसर में हुए अतिक्रमण का सफाया किया है। इस कार्यवाही में बड़ी तादाद में अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया है। कपिलनगर परिसर में कई दिनों से अतिक्रमण की समस्या को लेकर लोगों में रोष था, जिसकी कई शिकायतें लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में नागपुर मनपा से पत्र व्यवहार कर अतिक्रमण कार्यवाही का अनुरोध किया, जिसके बाद मनपा ने पुलिस के साथ मिलकर यह अतिक्रमण कार्यवाही की है। इसके बाद में देखो कैसा है, कपिलनगर चौक कपिलनगर पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में जो कामगार नगर से लेकर दीपक नगर तक का जो एरिया है, तो एरिया में बहुत सारे कबाड़ी भंगार के दुकान है, और वो जो रास्ता है वो रास्ता के बाजू में बहुत सारे कबाड़ी के दुकान और पान ठेले लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि कबाड़ी के दुकान के सामने वो जो भंगार वाली गाड़ियाँ रहती है वो गाड़ियाँ लगा के रखते हैं, और जो भी टायर रहता है वो टायर भी रास्ते के बाजू में लोगों ने रखी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रास्ते से आने जाने वाले जो वाहन रहते हैं, जो कोई बड़ी गाड़ियां हो या लोग हो, तो उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी, और इस वजह से वो एरिया के जो लोग थे वो परेशान थे। कई बार वो लोगों ने कंप्लेंट भी की थी कि रास्ते के बाजू में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, टायर लगाए हुए थे, और हमें उस वजह से परेशानी होती है। तो इस वजह से कपिलनगर पुलिस थाने के सीनियर PI माननीय अजय आकरे साहब, इन्होंने वो सब रास्ता क्लियर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका से पत्र व्यवहार किया, और पत्र व्यवहार करके अतिक्रमण हटाने की विनती की। तो नागपुर महानगर पालिका ने भी उस विनती को सम्मति दर्शा के और वो कार्रवाई की गई है। तो आज के 11 बजे के बीच नागपुर महानगर पालिका की एक टीम आई, कोकाटे साहब उस टीम के लीडर थे, तो उनकी टीम और हमारे पुलिस थाने की टीम, दोनों टीम ने मिलकर वो कार्रवाई की। उस कार्रवाई में हमने कपिलनगर चौक के सामने से जो कामगार नगर चौक है, कामगार नगर चौक से लेकर दीपक नगर तक कार्रवाई की है। वो कार्रवाई में रास्ते के बाजू में जो कुछ भी कबाड़ी के दुकान के सामने वो भंगार की गाड़ियाँ लगाई हुई थी, वो सब गाड़ी या हटाने को बोला, और जो गाड़ी नहीं हटा रहे थे वो गाड़ी महानगर पालिका की जो गाड़ी आई थी तो उसमें वो क्रेन से उठा के वो महानगर पालिका वाले लोग उनको ले गए हैं या उनकी तरफ जमा करी हुई है, और जो कुछ टायर था या ये पान ठेला था वो भी वो रास्ते से हटाने के लिए जो अतिक्रमण में था वही हटाया है, और पूरा रास्ता अभी क्लियर किया हुआ है जो कि लोगों को आने जाने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो कार्रवाई की है ये कार्रवाई में किसी भी प्रकार का अनुचित प्रकार हुआ नहीं है, और या कोई भी कायदा और सुव्यवस्था का कोई भी प्रश्न वहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है। अतिक्रमण की समस्याएं शहर के अधिकांश परिसर में हैं। मनपा और पुलिस प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।